गुना संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर केपी यादव को लेकर आज सोशल मीडिया और अखबारों में कुछ इस तरह की खबरें रहीं जो दिन भर चर्चा का विषय रहीं। इन खबरों के लिहाज से अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि डॉक्टर केपी यादव सिंधिया के समर्थन में बैठ सकती हैं या उनको निर्विरोध चुनाव जिताने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। कुछ मंत्रियों का हवाला भी दिया गया जो केपी डॉक्टर से संपर्क में है। इस तरह की खबरें जैसे ही सामने आईं तो इसके बाद पूरे दिन इन चीज़ों को लेकर चर्चा होती रही। कुछ समय बाद डॉक्टर केपी यादव खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने सीधे सीधे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि सिंधिया लगभग बौखलाने की स्थिति में आ चुके हैं और उन्हें अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, इसलिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी बसपा के उम्मीदवार को सिंधिया अपने पाले में ला चुके हैं और जैसे ही केपी यादव को लेकर इस तरह की बात सामने आई तो डॉक्टर यादव खुद सामने आए हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। क्या आप सिंधिया जी को समर्थन दे दिया है, सिंधिया जी के पक्ष में आप बैठ गए, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे तो हंसी आ रही है ऐसी बातों से। देखिए ये इनकी बौखलाहट है, ये हार मान चुके हैं। पूरे देश में मोदी मोदी की लहर चल रही है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उन्हीं वही प्रत्याशी हैं और हर जगह से ये हर गांव से हर शहर से एक ही आवाज आ रही है। इस लोकसभा में भी हर गांव से एक ही आवाज आ रही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और उनको ही प्रत्याशी मान के चल रहा है हर बच्चा बच्चा। तो ये इनकी बौखलाहट है, ये हताश हो चुके हैं, इसलिए इस तरह के षड्यंत्र रच के ये कुछ ना कुछ भ्रम फैला रहे हैं लोगों के अंदर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं।